हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु व्यास। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रितु दिशा रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दाल बाफले की स्पेशल रेसिपी। दाल बाफले तो सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। एमपी और राजस्थान में सबसे अधिक लोकप्रिय भोजन में दाल बाफले को माना जाता है। चलिए दाल बाफले बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गेहूं का बारीक आटा लिया है। आप गेहूं का मोटा आटा भी ले सकते हैं। बारीक आटे में आप एक कटोरी मोटा आटा ले सकते हैं। अब हम आटे में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। एक चम्मच सौंफ। सौंफ से बाफले का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच मीठा सोडा। मीठे सोडे से बाफले बहुत ही खिले हुए बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। सभी को आटे में अच्छे से मिक्स करना है। अब हम एक बड़ी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को आटे में अच्छे से मिक्स करना है। आटे में मोन का जो काम है वो हमारा ऑयल करेगा। आप आटे में घी का मोन भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने ऑयल को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं आटे में कितना ऑयल ऐड करना है। जब आप आटे को मिक्स करें तो इस तरीके से आपका आटा बनना चाहिए, उससे आपका परफेक्ट मोन रहता है। अब हम बाफले का डो बनाने के लिए आटे में पानी को ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हमें एक डो बना के कंप्लीट करना है। जब आप बाफले का डो बनाएं, आप इसे ध्यान रखिए, आपका डो रोटी के आटे के डो से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे बाफले का डो बनके कंप्लीट है। हम इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 15 मिनट बाद हमने सभी बाफले बना के कंप्लीट किए हैं। बाफले की साइज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े रख सकते हैं। अब हम बाफले को पानी में बॉईल करेंगे। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब हम पानी में आधी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, उससे पानी में बाफले चिपकेंगे नहीं। अब हम सभी बाफलों को पानी में ऐड करेंगे। यदि आप बाफले में हल्दी डालना भूल जाते हैं तो आप पानी में हल्दी डालकर भी बाफलों में कलर दे सकते हैं। सभी बाफले पानी में ऐड कर दिए हैं। अब हम बाफले को कवर करेंगे। हर 2 मिनट में हम बाफले की साइड चेंज करेंगे, उससे आपके बाफले चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। गैस को हाई रखना है, इससे आपका पानी ठंडा नहीं होगा और आपके बाफले जब उबलेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सभी बाफले उबल कर रेडी है। हम बाफलों को 1 मिनट के लिए और कवर करेंगे। अब हम सभी बाफलों को पानी से अलग करेंगे। 5 मिनट बाद जब बाफले पानी में ऊपर तैरने लगते हैं, उसी समय आप अपने बाफले निकाल लीजिए, उससे आपके बाफले बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। बाफलों को पानी से अलग करने के बाद हम इनको ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम सेकना स्टार्ट करेंगे। बाफले को हम ओवन पर सेकेंगे। हमारा ओवन अच्छे से गर्म हो चुका है। सभी बाफले अच्छे से सेट करना है। यदि आपके यहाँ माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी इनको सेक सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम बाफलों को सेकते हैं तो गैस को आप हाई रखिए। हाई गैस पर हम बाफलों की साइड चेंज करेंगे, उससे बाफले एकदम से फूल जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। यदि हम मीडियम आंच पर बाफलों को सेकते हैं, उससे बाफले कड़क बनते हैं और बाफले के अंदर का आटा आपस में चिपक जाता है। आप देख सकते हैं हमारे बाफले 50% सिक चुके हैं। अब हम गैस को मीडियम रखेंगे। हमारे बाफले सीख कर रेडी है। आप देख सकते हैं हमने बाफलों को किस तरह से सेका है। बाफले आपके जले हुए नहीं होना चाहिए। अब हम बाफलों में घी लगाएंगे। घी को हमने गरम किया है, उसके बाद अब हम घी में बाफलों को ऐड करेंगे। बाफले में घी चारों तरफ से अच्छे से लगाना है। या तो आप बाफले में इस तरह से घी लगा सकते हैं, या आप बाफले को घी में तल सकते हैं। हम सभी बाफले में इस तरह से घी को लगाएंगे। घी लगाने से बाफले का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। हमारे बाफले बनकर रेडी है। दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी इनका टेस्ट माइंड ब्लोइंग।
बाफले के साथ आप तुअर दाल या उड़द की दाल भी बना सकते हैं, उससे भी बाफले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक ऑप्शनल आप इसके साथ कढ़ी भी बना सकते हैं। इन सभी का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। आप देख सकते हैं हमने बाफले के साथ दाल बनाई है, कढ़ी बनाई है, मिर्ची को फ्राई किया है और आप किसी भी तरह की चटनी बना सकते हैं। आप अपने घर में दाल बाफले बनाइए और हमें कमेंट्स करना ना भूले आपके दाल बाफले कैसे बने हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई चटपटी रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।